Hello guys, welcome back to my channel again. So today's topic is how to run cell scripting in Ubuntu operating system. Okay, so आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो एक cell scripting को हम किस तरह से run कर सकते हैं Ubuntu में और PHP के through किस तरह से run कर सकते हैं. तो वो सारी चीजें हम जो है आज यहाँ पर देखेंगे. Okay, so start करने से पहले हमें जो जरूरत पड़ेगी एक Ubuntu सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो मेरे पास एक Ubuntu की वर्चुअल मशीन है. आप VMware यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, हाइपर भी यूज़ कर सकते हैं Ubuntu की एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए. अगर आपके पास कोई फिजिकल मशीन है तो आप वहाँ पर भी टेस्ट कर सकते हो. ओके, द सेकेंड थिंग इज जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो हमें लैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि हम PHP को एग्जीक्यूट करा पाएँ, PHP को रन कर पाएँ. ओके, सो मैं ऑलरेडी लैम्प इंस्टॉल कर चुका हूँ अपने सिस्टम में. सो मेरे पास ls/opt के अंदर हमारा लैम्प इंस्टॉल होता है. सो मेरे पास ऑलरेडी लैम्प जो है इंस्टॉल्ड है. आपको जो है लैम्प जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो आप वो देख सकते हो, लैम्प ट्राई कर सकते हो आप PHP को रन करने के लिए. द थर्ड थिंग इज़ हमें एक नोटपैड एडिटर की रिक्वायरमेंट होगी जिससे हम एक स्क्रिप्ट जो है राइट कर पाएँ या स्क्रिप्ट जो है लिख पाएँ. ओके, सो मेरे पास लैम्प ऑलरेडी पड़ा हुआ है. मैं इसकी सर्विसेज को स्टार्ट कर लेता हूँ. तो ls/opt लैम्प एंड लैम्प रीस्टार्ट. ओके, सो यहाँ पर मेरे पास पासवर्ड मैं डाल देता हूँ. ओके, सो नाउ मेरा जो लैम्प है, मेरा जो लैम्प सर्विसेज हैं वो ऑलरेडी रिस्टार्ट हो चुकी हैं. मैं एक बार रन कर लेता हूँ, लोकल होस्ट देख लेते हैं. लोकल होस्ट रन करके देख लेते हैं. तो यहाँ पर मेरा जो जैम्प है, मेरा जो लैम्प है वो परफेक्टली रन कर रहा है. दैट मीन्स कि मैं PHP को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ अपने सिस्टम पे. ओके, एंड मैं अभी इसे क्लोज कर देता हूँ. नाउ हम जो है एक डिफ़ॉल्ट जो हमारा इसमें नोटपैड एडिटर होता है VI एडिटर, हम उसको यूज़ करेंगे. अगर आप VI एडिटर यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप VIM यूज़ कर सकते हो. VIM को आप इंस्टॉल कर सकते हो, apt-get install VIM. तो आप VIM एडिटर इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप जो इनबिल्ट एडिटर हैं GP एडिट, उसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो. सो मैं जो है यहाँ पे VI एडिटर से सारी चीज़ें करूँगा. ओके, सो सबसे पहले हम एक सेल स्क्रिप्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं. तो बेसिक सेल स्क्रिप्ट जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. स्लैश हम सबसे पहले अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख लेते हैं. तो अभी हम /home/umyserver में हैं. तो हमें डेस्कटॉप पर जाना होगा बिकॉज मेरी जो सेल स्क्रिप्ट है वो डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है. ls देखिए सेल स्क्रिप्ट आ गई, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ. sudo vis एंड स्क्रिप्ट. ओके, तो स्क्रिप्ट यहाँ पे पड़ी हुई है. मैं इसमें सिंपल एक हेलो वर्ल्ड की स्क्रिप्ट यहाँ इसमें डाली हुई है. तो इसको हम क्लोज कर देते हैं एंड इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट होती है या नहीं. ओके, सो सबसे पहले हम ls-la करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा स्क्रिप्ट का जो कलर है वो वाइट कलर है. दैट मीन्स ये सिंपल एक फाइल है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है. दैट मीन्स ये एग्जीक्यूट नहीं होगी. ओके, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं. /script.sh. ओके, तो यहाँ पर परमिशन देना आ रहा है. मैं इसको sudo इसमें और इम्प्लीमेंट कर देता हूँ. लेकिन बोल रहा है कमांड नॉट फाउंड. बिकॉज कमांड नॉट फाउंड इसलिए बोल रहा है बिकॉज हमारे पास जो अभी सेल स्क्रिप्ट डॉट एस एच जो हमारी स्क्रिप्टिंग है उस पर एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है. तो हम सबसे पहले इस पर एग्जीक्यूशन की परमिशन लगा देते हैं. तो chmod+x एंड script.sh. ओके, नाउ अगर मैं ls-la करता हूँ तो मेरा जो कलर है script.sh का वो चेंज हो चुका है, वो ग्रीन हो चुकी है. दैट मीन्स कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है. नाउ मैं अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो script.sh अगर मैंने एग्जीक्यूट किया तो हेलो वर्ल्ड मेरा आउटपुट यहाँ पर प्रिंट हो चुका है. ओके, सो हमारे पास script.sh है जिसको हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं, हेलो वर्ल्ड हमें आउटपुट मिल चुका है. नाउ अगर हमें इस स्क्रिप्ट को, सेल स्क्रिप्टिंग को PHP के थ्रू अगर रन करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं तो हम वो देखते हैं. तो सबसे पहले हम लैम्प के फोल्डर के जहाँ पर HD docs, जहाँ पे हमारी सारी PHP फाइल्स एग्जीक्यूट होती हैं, जहाँ से हम वहाँ पर पहुँचते हैं. तो cd/opt/lamp
स्लैश एस टी डॉक्स। ओके सो एलएस, मैंने यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाया हुआ है बैश एग्जाम्पल के लिए, तो हम बैश फोल्डर में पहुँचते हैं। ओके बैश फोल्डर में हमारे पास एक पीएचपी फाइल पड़ी हुई है, इंडेक्स डॉट पीएचपी। हम इसको ओपन कर लेते हैं, सीरो वी आई एंड इंडेक्स डॉट पीएचपी। ओके सो इसमें सिंपल हमारा जो स्क्रिप्टिंग फाइल है उसकी जो लोकेशन है वो दे रखी है, और सेल अंडरस्कोर ई एक्स ई सी जो हमने हमारी जो इनबिल्ट कमांड है पीएचपी के अंदर हमने वो यूज़ की हुई है, उसको सारे आउटपुट को हमने रिजल्ट के अंदर ले रखा है और रिजल्ट को हमने इको कराया हुआ है। ओके सो ये हमारे सिंपल है, हम इसको क्लोज कर देते हैं और अब जो है हम रन करके देखते हैं कि अगर बैश के अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी पड़ी हुई है तो वो क्या हेलो वर्ल्ड का एग्जाम आउटपुट जो है वो देगी या नहीं। ओके सो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का आउटपुट आ रहा है परफेक्टली। ओके सो अगर आपकी जो सेल स्क्रिप्टिंग है अगर वो रन नहीं कर रही है तो इट मे बी पॉसिबल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जीक्यूशन परमिशन ऑफ सेल स्क्रिप्टिंग। ओके लेट सपोज मैं अगर यहाँ से एग्जीक्यूशन की परमिशन अगर यहाँ से हटा देता हूँ स्क्रिप्टिंग से, सॉरी मेरी फाइल डेस्कटॉप पर है, देन सीडी डेस्कटॉप एलएस ओके 0-x chmod-x स्क्रिप्ट। ओके तो अभी मेरे पास जो परमिशन है वो एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है, मेरी जो फाइल का कलर है वो वाइट हो चुका है, दैट मीन्स कि वो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। और मैं फिर से अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा आउटपुट है वो नहीं आएगा, बिकॉज़ कि परमिशन ही नहीं है एग्जीक्यूशन की, तो हमारी सेल स्क्रिप्टिंग जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके अगर मैं फिर से इस पे अगर मैं फिर से इस पे एग्जीक्यूशन की परमिशन अप्लाई कर देता हूँ, दैट मीन्स कि ये आउटपुट फिर से जो है यहाँ पर आना चाहिए। ओके सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम सेल स्क्रिप्टिंग को रन कर सकते हैं थ्रू द पीएचपी एंड थ्रू द टर्मिनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़ फॉर मोर ट्यूटोरियल्स एंड ट्रिक्स। थैंक्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।